दोस्तों की तरह मैं एक बार और इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं वो अभी सोच रहे होंगे कि मैं कौन से सीरीज की और कौन से पार्ट 4 की बात कर रहा हूं। तो मैं सभी नए और नए व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि अभी मैं कुछ दिन पहले डलहौजी गया था घूमने के लिए और मैंने डलहौजी का पूरा ब्लॉग शूट किया है। मैंने अपने आने से लेके जाने तक का पूरा वीडियो शूट किया है, जिस मैंने एक अपनी सीरीज चालू की है। अगर आप भी वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो या मेरी पूरी सीरीज आपको पूरी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने हर एक एक लोकेशन की डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है, जिससे कि आपको अगर आप उस लोकेशन पे घूमने जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मेरे जितने भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आई बटन पे जरूर से मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं बढ़ता हूँ आगे वीडियो की ओर, जो कि हमारा सीरीज है। और मेरे सारे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता है कि जो मेरी सीरीज है वो चल रही है, तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। अगर बाकी आप लोगों को पूरी स्टार्टिंग सीरीज देखनी है तो आप लोगों को आई बटन पर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तीनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप लोग पहले आप इसको भी देख सकते हो और उसके बाद उसको भी देख सकते हो। ऐसी कोई नहीं है कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आओगे तो फिर उसका आपको फर्स्ट चैप्टर पर समझ में आएगा। अगर हर वीडियो हर एक लोकेशन के स्पेसिफिक है, मतलब अभी मैं जिस लोकेशन पे घूमने गया हूँ आप उसको पहले जान लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में जान लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि सीरीज एक कंटिन्यूस वे में चलती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में। तो वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं आज के इस वीडियो में कहाँ गया था घूमने के लिए और वहाँ क्या चीज़ है, क्या स्पेशल चीज़ है जो मैं वहाँ गया था घूमने के लिए। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में ज्ञान और फालतू की बातें बहुत ज़्यादा देता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे फेसबुक पर या मुझे मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स उस पर फॉलो नहीं कर रखा है तो यह आपके स्क्रीन के सामने ब्लिंक हो रहे हैं, जाओ इन पे जाके मुझे फॉलो करो, चाहे इंस्टाग्राम का फॉलो बटन तोड़ो या मैसेज जमाओ, मुझे कुछ नहीं पता है, जाके फॉलो हो जाना चाहिए। एंड चैनल पे भी सेम ही होना चाहिए, सब्सक्राइब पे तुम बर्तन फेंक के मारो या कुछ भी फेंक के मारो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और लाइक पे तुम पानी के गुब्बारे फेंक के मारो या रंग बिरंगे कलर से मारो, लाइक का बटन नीला हो जाना चाहिए। बस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान को इग्नोर मारना। चलो तो आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ पंचकूला। मैं क्लियरिटी के लिए एक बार और बोलना चाहूंगा, कहीं आप लोग मिसअंडरस्टैंड सुनने में कर गए हो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ स्लो मोशन में। पंचकूला, पी फॉर पुला, नॉट पंचकूला। सो अभी आप जैसे देख रहे हैं, मैं अभी इस वीडियो में वॉक अराउंड ले रहा हूँ और ये जो सामने आप स्टैटू देख रहे हो वो है हमारे शहीद भगत सिंह के दादाजी की मूर्ति। मुझे अभी एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी आप ये लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ से भी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर साइड में एक मार्केट लगता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, जैसे कि कपड़ों का, खाने पीने का, सबका। और आप सामने ये बोर्ड देख सकते हो जो आई लव पंचकूला का है। अब आपको मे बी क्लियर हो गया होगा पंचकूला मैं कहने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो मैंने एक पिगन पे फोकस मारा है, पिगन बोले तो कबूतर पे, जो कि यहाँ पर आप फोटो खिंचवाने के लिए इसको ले सकते हो। मैंने भी इसके साथ फोटो खिंचवाई है, अगर फोटो देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना, मैंने वहाँ पोस्ट करके, और आप लोग यहाँ देख सकते हो
मार्केट लगी हुई है, मतलब मैक्सिमम लेडीज लोगों के लिए ही है यहाँ पर, जेंट्स लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। और यह है हमारा एक झूला जो कि सिर्फ एक रस्सी के बदलत, मतलब रस्सी पे आपको चल के जाना पड़ेगा एक साइड से दूसरे साइड तक। बहुत रिस्की लग रहा है इधर, कौन छाएगा इधर। और ये रस्सी क्रॉस करने के मे भी 500 रुपये थे आई थिंक सो, क्योंकि मेरे बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, वो इधर से उधर जाने के लिए कुछ वो देते हैं कुछ, मतलब वो रस्सी पकड़ने के लिए, तो उसका चार्ज था। और ये मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, मैं अपने मेन लोकेशन के लिए ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ। अभी आपको, आप लोगों को खुद पता चल जाए कि ऊपर मेन लोकेशन पे है क्या। तो ये मैंने चट्टान पे फोकस मार रखा है, यहाँ हर चट्टान में से पानी निकल रहा था। और धीरे धीरे करके मैं ऊपर चढ़ते हुए जा रहा हूँ। भाई चल रहे थोड़ा तेज चल यार, ऑडियंस वेट कर रही है। और ये मैं पहुँच चुका हूँ, ये हमारे बगल में कैंटीन है, जैसे कि लोग चेयर्स वगैरह देख कर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर खाने पीने की आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यह है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा और कुछ नहीं, सुनने में अजीब लग रहा है ना, एक्सपेंसिव या कुछ नहीं, छोड़ो महंगा होता है। ये शौकीन लोगों के लिए फोर्ट तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, शौकीन लोगों। और ये मेरे पैर पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय, और काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, आपको शायद पता ना चल पाओ वीडियो में। और ये देखो दो लोग भगते हो जा रहे हैं, अरे भैया आराम चलना नहीं तो गिर गिर आ जाओगे। और ये छोटा सा तालाब है और बीच में लकड़ी का पुल, फिर भी कह गए चुल, टाइमिंग बैट नहीं थी। और जो हमारा मेन फोकस इसके लिए मैं आया हुआ था वो आपने सामने देख लिया, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाई दिया, झरना वाटरफॉल। और कोई नाम है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना और क्या क्या बोलते हैं। और ये मैं पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा थोड़ा आगे जाके वो फोटो खिंचवाने के लिए हमने कहा चलो फोटो खिंचवा लेते हैं। ये बाकी लोग तो फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये हमारी वहीं पे एक छोटा सा मार्केट है लगता है पंचकूला में, जहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो। और हाँ सॉरी ये मैं आया हुआ हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, जो आपको मैंने मार्केट दिखाई थी जो गांधी चौक मार्केट थी, वो ये मार्केट है। शाम का समय हमने कल से लगभग वॉक अराउंड लेके चलते हैं, तो देख सकते हो इवनिंग के टाइम पे कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपने मेरा मॉर्निंग में अगर वीडियो ना देखा हुआ गांधी चौक का, तो उसमें एकदम खाली था। और इवनिंग के टाइम पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हम तो बस यहाँ थोड़ा सा स्नैक्स खाने आया था, आपको तो यहाँ पे स्नैक्स ही स्नैक्स दिखेंगे, इतने सारे हैं। और बाकी तो आप लोग भी थोड़ा इन्जॉय करो, मैं थोड़ा मुँह का आराम दे देता हूँ। बाकी देखो क्या क्या मिल रहा है, आप लोग भी देखो। बाकी यहाँ पे आपको मैगी, अंडे, मतलब एग मैगी, ऑमलेट, वेजिटेरियन चिकन मिल जाएगा, मतलब सुनने में अजीब लग रहा है आपको, लेकिन सब्जियों का चिकन मिलता है यहाँ पर, जो सुनने में आया था। मोमोज है, पनीर टिक्का है, जो कि ऑलमोस्ट अपने यहाँ मिलता ही है, मतलब हर चीज़ मतलब खाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल थी, आप जाकर यहाँ खा सकते थे। और बाकी शेक वगैरह की दुकान तो ये सामने देख ही सकते हो, ये सब लगी ही पड़ी है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल था, मतलब आपकी भूख को मिटाने के लिए आपको मतलब जो पसंद है वो आप यहाँ पे जाकर खा सकते हैं। मतलब देखो दो दो दुकानें एक साथ में हैं, मतलब यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है और शॉपिंग के लिए भी कोई कमी नहीं है। बाकी आप मेरे लास्ट वीडियो में देख लिया। और ये क्या बारिश, आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। और आप लोग देख सकते हो पानी एकदम नीचे बहते हुए जा रहा है, मतलब वो शाम के टाइम पर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई पूछो मत। और वहाँ से हम लोग सीधे होटल निकल लिए जब बारिश थोड़ी सी धीरे हुई, और होटल पहुँच कर जब हम डिनर कर रहे थे तो वहाँ पर लाइसिंग का हमने पूरा आनंद लिया, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका हुआ था उस होटल में ब्रेकफास्ट और लंच कॉम्प्लीमेंट्री था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में तुम्हें बताई, आई थिंक सेकेंड पार्ट में मैंने बता दिया था कि वहाँ पर मतलब सारी डिटेल बता रखी है, आप लोग आगे देख लेना। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
ये लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम वहाँ पे था, तो मतलब मैं जितने दिन था मैंने लाइव सिंगिंग का वहाँ इंजॉयमेंट किया, अच्छा था वहाँ पे। और मैंने इसके बाद म्यूट कर लिया, नहीं तो कहीं कॉपीराइट का सीन ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको म्यूट ही कर दिया। बाकी आप लोग लिरिक्स देख सकते हो, ये मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था तो थोड़ा सा मैंने पोर्ट्रेट मोड में किया है। और ये आप लोग सबसे बढ़िया चीज़ देखो, रात के टाइम में नाइट व्यू पहाड़ों से, जैसे कि मैंने अपने होटल से जो व्यू दिखाया था आप लोगों को, ये मतलब मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग ये मॉर्निंग के टाइम नाइट के टाइम पे व्यू देखो, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में हूँ और नीचे सारे सितारे चमक रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू मेरे को देखने को मिला। और मैं जून में गया हुआ था, जून एंड में, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं दिल्ली की गर्मी भूल गया वहाँ जाके, इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर, मज़ा आ गया बहुत ही ज़्यादा। खैर तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आज यहाँ गया हुआ था पंचकुला घूमने के लिए, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जाना हूँ दूसरे लोकेशन पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो पंचकुला वाली, अगर आप किसे काफ़ी लोग अगर गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर जो लोग नहीं गए हैं वो भी मुझे कमेंट कर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। तो मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।